हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस अभिषेक ओझा। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने जो ऑडिट के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, चाहे वो जेवीएनएल का पेपर हो, चाहे वो आपके लिए आरएस का पेपर हो, चाहे वो आईएएस का पेपर हो, आरपीएससी का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो या एमपीपीएससी का पेपर हो, उसके अंदर जो ऑडिट के अंदर क्वेश्चंस आ रखे थे उनको हमने कल डिस्कस किया था। का रेस्पॉन्स भी आया उसके ऊपर और काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना नीचे स्कोर भी बताया और वीडियो को अच्छा सराहनीय वीडियो बताया। लेकिन उसी दौरान काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि नहीं सर, इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि यह जो सभी आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, यह सभी आंसर्स इन एग्जामों की फाइनल आंसर की के अंदर जो इन संस्थानों ने आंसर माना है, मैं आपको केवल और केवल वो आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कृपया करके आप ऐसा ना लिखिए कि मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। इससे क्या होगा, आप तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके ही आओगे, साथ में जो स्टूडेंट है अगर उन्होंने आपके गलत आंसर्स को देख लिया, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी जगह सही हो, आपने वो पढ़ा होगा, लेकिन आप मेरी बात समझिएगा, मैं जो आंसर्स आपको यहाँ पर दे रहा हूँ वो इन संस्थानों की जो फाइनल आंसर की के अंदर जो आंसर आया है मैं आपको वो बता रहा हूँ सिंपली, है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये संस्थान ही गलत है, मेरा आंसर सर्वोपरि है, तो आप एग्जाम में वो करके आ जाना, बाकी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, ठीक है। जैसे कि एक वीडियो था हमारा इनकम टैक्स का, उसके ऊपर था कि एजुकेशन सेस पूछा था, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेस पूछा था। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब टैक्स की कैलकुलेशन करते तो एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एजुकेशन सेस दोनों को साथ में करके 3% का लगाते हैं। नॉर्मली ऐसा ही किया जाता है बीकॉम वगैरह के अंदर। तो अब स्टूडेंट्स जैसे वो क्वेश्चन है एजुकेशन सेस कितना है, 3% है सर, आंसर 3%। अरे भाई, मैंने पूरा टोटल सेस नहीं पूछा, मैंने केवल और केवल सिंपली पूछा है कि उसमें से एजुकेशन सेस कितना है, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ रखा है और आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मतलब कि एग्जाम में थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो आपको उनका आंसर देते समय थोड़ा सा पहले सोचना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट अगेन किसी को गलत बताना नहीं है, मेरा टारगेट है कि पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको आपके सामने रखना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसी को बात अगर बुरी लगी है तो पहले से ही सॉरी, आप आराम से क्वेश्चंस का एंजॉय लीजिएगा और अपना इन आंसर्स के अकॉर्डिंग अपना स्कोर बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो जितने भी जो कथन दे रखे हैं उनमें से ट्रू कौन सा है। पहला, एक बार विकसित लेखा परीक्षा योजना, अगर एक बार आपने अपने प्रोडक्ट ऑडिट प्रोग्राम है वो डेवलप कर लिए हैं तो उनको ऑडिट के दौरान आप अमेंड नहीं कर सकते हो, संशोधित नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट ये है, देखो साथ साथ में जितना इंग्लिश में हो सकता है आई विल ट्राई। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है कि क्या एक बार अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बना लिए हैं तो क्या ऑडिट प्रोग्राम आप संशोधित या उसके अंदर किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल गलत है सर, जो ऑडिट प्रोग्राम होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही है या सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही होती है कि ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल, उनको टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर ग्राहक के साथ समग्र योजना की चर्चा करता है, ऑडिटर जो क्लाइंट के साथ पूरी योजना की चर्चा कर लेता है कि इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से हम ऑडिट करेंगे, इस टाइम आएंगे, और एक बार जब वो अपने क्लाइंट से पूरी की पूरी ऑडिट प्रोग्राम की डिस्कशन कर लेता है तो जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर और उसके क्लाइंट दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल गलत है सर, जो ऑडिट प्रोग्राम होते हैं वो पूरी तरह से उसका कहने उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये केवल और केवल ऑडिटर के ऊपर ही है, इसके अलावा जो क्लाइंट है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेखा परीक्षक को सभी परीक्षाओं हेतु स्थायी रूप से लागू परीक्षा कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। नहीं सर, अगेन गलत है, आपका ऑडिट जो प्रोग्राम होता है, ऑडिट जो प्रोग्राम होता है वो हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग होगा, हर एक ऑडिट के लिए अलग अलग
होगा, क्योंकि हर एक बिजनेस का नेचर अलग होता है, हर एक बिजनेस के अंदर सरकमस्टेंसेस अलग होती है। नेक्स्ट देखिएगा, लेखा परीक्षक को उसके द्वारा अंकेक्षित कंपनियों की लेखा वहीयों का ग्रहणाधिकार, ग्रहणाधिकार बोले तो लीन का राइट है ना, तो कहता है कि जो ऑडिटर होता है अगर उसने किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट की है तो वो चाहे तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास लेकर आ सकता है, तो ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लेकर आ सकता है। ऐसे अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट की है और आप उसको अपने कहो कि यार मेरे को तो इनसे प्यार हो गया, मैं तो इनको अब अपने पास रखना चाहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ग्रहण अधिकार प्राप्त है क्या? नहीं सर, ग्रहण अधिकार प्राप्त नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा फोर। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए? फोर। ये जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी संपत्ति के सत्यापन में ऑडिटर को, सत्यापन बोले तो वेरिफिकेशन, जब भी कोई ऑडिटर वेरिफिकेशन करता है एसेट्स का, तो देखो वेरिफिकेशन जब किया जाता है तो मैंने आपको बता रखा है एक कोड, वॉट पीसी, आप इसको चेक करते हो, वैल्यूएशन चेक करते हो, ओनरशिप चेक करते हो, उसके लिए एग्जिस्टेंस चेक करते हो, उसके लिए पजेशन चेक करते हो, उसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, वो सारी आप चीजें चेक करते हो। और वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है? वेरिफिकेशन से रिलेटेड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वेरिफिकेशन जो रिलेटेड होता है वो आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है, जबकि जो वाउचिंग जो रिलेटेड होता है वो आपके पीएनएल से रिलेटेड होता है। ये क्वेश्चंस भी काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो कहता है कि ऑडिटर को कौन सी बात की जाँच करनी चाहिए? देखो अस्तित्व की एग्जिस्टेंस है नहीं है, ओनरशिप है या नहीं है, कई उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज तो कर रखा है ना, और डिस्क्लोज वगैरह तो कर रखा है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाती है किसके अंदर? वेरिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, लेखा परीक्षक की निम्न में से किस क्रियाविधि से लेखा परीक्षक को उन स्थितियों एवं घटनाओं की पहचान करने की सहायता मिलने की संभावना है जिससे कि ये संकेत मिले कि किसी संस्था के लाभकारी कारोबार वाली संस्था बने रहने के सामर्थ्य में काफी ज्यादा संदेह हो। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑडिटर है वो इस बात का प्रोबेबिलिटी लगा सकता है कि यार अब यह बिजनेस एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बन सकता है, अब ये बिजनेस देखना धीरे धीरे लॉस की तरफ जाएगा ही जाएगा। पहला, प्रमुख ग्राहकों से प्राप्त राशियों की पुष्टि की किस किस क्लाइंट से कितने रुपए आए हैं, ब्याज व्यय एवं बकाया ऋण का मिलान, ये देखा जाता है कि कितना खर्चा हुआ है और कितना ऋण बाकी है अभी भी, कितना इंटरेस्ट जाता है हमेशा और कितना अभी लोन बाकी है जिसके ऊपर इंटरेस्ट जाता रहेगा। नेक्स्ट आता है बैंक सेल्स की पुष्टि, आप बैंक बैलेंस देख कर आओगे उसका। नेक्स्ट आता है ऋण करार की शर्तों के साथ अनुपालन की समीक्षा, समीक्षा आपने जो भी लोन एग्रीमेंट कर रखे हैं उनको किस कंडीशंस के ऊपर आपने वो लोन एग्रीमेंट कर रखे हैं वो वाली चीज। अब देखो यहाँ पर अगर आप चारों पॉइंट्स के ऊपर ही सोचोगे तो आपको एग्जाम के अंदर चारों के चारों पॉइंट्स ही सही लगेंगे, है ना, लगने भी चाहिए, है ना, एक ह्यूमन बीइंग से हम। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिससे आपको लगता है कि यार यह पर्सन अब फ्यूचर प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, मतलब ये चला गया, यह अब लॉस की तरफ जाने वाला है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके किस शर्त के ऊपर आपने लोन एग्रीमेंट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन एग्रीमेंट कर रखा है कि मैंने किसी पर्सन से लोन लिया, सामान्यतः अपने मार्केट के अंदर जो रेट है वो कितनी है लोन की, सामान्यतः 2-2% पर मंथ की रेट से चल अपने यहाँ पर इंडिया में लोन दिया जाता है जनरली, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी पर्सन से 10% पर मंथ की रेट से लोन ले लिया, तो अब बताओ मैं उससे 10% पर मंथ की रेट से लोन कब लूंगा, जब मेरे को 2% की रेट से मिलेगा नहीं। अब 10% की रेट से ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अपने बिजनेस के अंदर जो नेट 10% है वो तो इस जिससे लोन लिया है उसी को मेरे को चुकाना पड़ेगा, है ना, तो फिर मैं क्या कमाऊंगा। मतलब कि एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो तो मेरी इस ऋण करार की शर्तों के अनुसार इस जो लोन गिवर है उसी को ही मेरे को देनी पड़ जाएगी, तो आफ्टर दैट मेरा जो प्रॉफिट बच पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो आपके लिए है फोर। नेक्स्ट देखिएगा, जब लेखा सिद्धांतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, जब लेखा सिद्धांतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो
तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संगतता की कमी को यहाँ पर, क्योंकि अब इसके चेंज हो चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर काट देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक ग्राहक ने हानियों का पूंजीकरण कर लिया है, एक क्लाइंट ने क्या किया है, अपनी जो लॉसेस था उनका कैपिटलाइजेशन कर लिया, लेकिन उन्हें वित्तीय विवरणों में पूंजीकृत करने से इनकार किया करता है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उनका कैपिटलाइजेशन नहीं करना चाहता है। यदि यह राशि वित्तीय विवरणों को व्यापक रूप से बिगाड़ती है, तो लेखा परीक्षक के पास इनमें से रिपोर्टिंग का कौन सा सिस्टम उसके पास होगा? लेखा परीक्षक के पास रिपोर्टिंग का कौन सा सिस्टम उसके पास होगा? देखो, यहाँ पर ये जो गलती है वो केवल और केवल एक पॉइंट को लेकर ही है, और यह पॉइंट होगा वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, मतलब जगह जगह पर यहाँ पर गलती नहीं है। तो जब भी कोई भी गलती पाई जाती है, तब जो रिपोर्ट दी जाती है, जो रिपोर्ट होती है आपके लिए क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन सी राय होती है आपके लिए? क्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि किसी भी तरह की गलती नहीं है। डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि उसने मना कर दिया है कि मेरे पास तो किसी तरह के प्रूफ ही नहीं आए। और एडवर्स का मतलब होता है कि जो गलतियां हैं वो काफी जगह पर आपके लिए विद्यमान है। तो अगर कुछ जगह पर गलतियां विद्यमान होती है, तो क्वालिफाइड काफी जगह पर गलतियां विद्यमान होती है, तो आपके लिए एडवर्स, और आप ओपिनियन ही नहीं दे पाए तो आपके लिए डिस्क्लेमर। आई होप आपको जो स्लाइट डिफरेंस है सबके अंदर समझ में आ गया। गलतियां है ही नहीं, एक गलती है, बहुत गलतियां हैं, और गलतियां है या नहीं इसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारे पास इविडेंस ही नहीं आए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई लेखा परीक्षक एक ग्राहक की आरंभिक इन्वेंटरी शेष पर राय नहीं बना पाए, तो वह चालू वर्ष में अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है। कहता है कि यदि कोई लेखा परीक्षक है, अपना नया क्लाइंट है, उसकी ओपनिंग इन्वेंटरी के ऊपर, कि उसके पास ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थी, उसके ऊपर अगर अपनी ओपिनियन नहीं दे पाता है, तो बताओ वो इनके ऊपर किसके ऊपर अपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है? आय विवरण पर, नकदी प्रवाह कैश फ्लो वाले पर, तुलन पत्र बोले तो बैलेंस शीट पर, केवल शेयरधारक। देखो, जो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होता है वो कहाँ पर आता है? यहाँ पर जो इसका तुलन पत्र होता है, बैलेंस शीट होती है, वहां पर आता है, क्योंकि पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का सॉरी इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक के ऊपर अगर वो अपनी राय नहीं देगा, तो वो अपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है केवल और केवल तुलन पत्र के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। त्रुटियों एवं धोखाधड़ी। त्रुटियों का मतलब होता है आपके लिए एरर, धोखाधड़ी का मतलब होता है फ्रॉड। एरर जो होते हैं वो अनजाने में होते हैं, गलतियां अनजाने में होती है, लेकिन धोखा जानबूझकर किया जाता है। को रोकथाम एवं उनका पता लगाने की मूलभूत जिम्मेदारी किसकी होती है? मैंने आपको ऐसे 240 के अंदर बता भी रखा है कि इनको रोकने की जो मूलभूत जिम्मेदारी होती है वो कंपनी के मैनेजमेंट की, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबंधन। खजांची का मतलब होता है कैशियर, लेखाकार का मतलब होता है अकाउंटेंट, लेखा परीक्षक का मतलब होता है ऑडिटर, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो जो जिम्मेदारी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? आपके लिए मैनेजमेंट की हो जाएगी। इनमें से ऑडिटिंग प्लानिंग का सेक्शन की ऐसे कौन सा है? ऑडिटिंग प्लानिंग का जो ऐसे है वो है आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 300। कौन सा है आपके लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 300। नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सहनीय त्रुटि कौन सी है? ए, देखो पहले बात तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप समझो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है? ऑडिटर कहता है कि यार मैं जो फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड बना रखा है उससे मैं इतने परसेंट तक की गलतियों को क्या कर लूंगा? स्वीकार कर लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कह रखा है कि यार 5,000 तक तो ऊपर नीचे गलतियां होगी होगी, तो मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि यार 5,000 तक की जो गलतियां होगी ना
उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा। आई बात समझ में? मतलब कि क्योंकि करोड़ों के रिलायंस कंपनी के अंदर अरबों के ट्रांजेक्शन है, अगर वहां पर 5,000 तक की गलतियां होगी या 50,000 तक की गलतियां होगी तो मैं उसको ध्यान में, 5,000 ले लेते एग्जाम्पल के रूप में, तो मैं उसको ध्यान में नहीं रखूंगा। ठीक है ना? मतलब कि इतना अगर ऊपर नीचे होता है ना तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कहता है कि इस टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इनमें से सही बात कौन सी है। निर्धारित नियंत्रण कार्यविधि से विचलन की अधिकतम दर, जिसे ऑडिटर नजरअंदाज करने को तैयार हो। नेक्स्ट देखिएगा, निर्धारित नियंत्रण कार्यविधि से नजरअंदाज करने को तैयार हो। निर्धारित नियंत्रण कार्यविधि से विचलन की अधिकतम दर, जिसे ऑडिटर स्वीकार करने को तैयार हो। मतलब कि ऑडिटर मानता है क्या इतनी गलती हो सकती है, और ऑडिटर कहता है नहीं यार मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अब जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो मैं कहता हूँ कि आपको इन दो में से ही डाउट होगा कि सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर वो मैक्सिमम रेट जिसको ऑडिटर इग्नोर करने के लिए तैयार है या फिर वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, कि यार 5,000 की गलती मैं छोड़ दिया, अरे आई एक्सेप्ट कि यार 5,000 तक की गलती हो सकती है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कौन सी बात आएगी सर, है ना? अधिकतम दर तो आएगी, न्यूनतम दर तो नहीं आएगी, ये तो पक्का है। तो इन दो ऑप्शन के अंदर आप कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपके लिए सेकंड, निर्धारित नियंत्रण कार्य विधि से विचलन की वो अधिकतम दर, जिसे ऑडिटर स्वीकार की यार मैं मानता हूँ कि 5,000 तक की त्रुटियां हो सकती है, तो मैं अगर 5,000 की त्रुटियां होती ना तो मैं वहां पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगा। तो देखो ऐसे वर्ड्स आपके एग्जाम के अंदर आते हैं जिनको आपको समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भागीदारियों या सोल प्रोप्राइटर, भागीदारी बोले तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर, जहां पर ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है, यहाँ पर ऑडिटर का स्कोप होता है काम का, वो पूरी तरह से टेलर मेड होता है। टेलर मेड का मतलब होता है कि वहां पर पार्टनरशिप फर्म या फिर सोल प्रोप्राइटर और ऑडिटर आपस में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनको करनी है, कौन कौन सी चीजों को उनको चेक करना है। तो ऑडिट के कर्तव्य है पूर्णतः उसके और ग्राहक के बीच में हुई संविदा या कॉन्ट्रैक्ट द्वारा परिभाषित होते हैं। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा कॉमर्स मेरी जान चैनल को सर, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न दस्तावेजों पर विचार कीजिए। काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, आपको बताना है कि इनमें से सबसे सही क्रम के ऊपर कौन सा आया हुआ है, सबसे सही क्रम के ऊपर कौन सा आया हुआ है। ए सबसे पहले क्या आता है? देखो सबसे पहले तो आता है ऑडिट प्लान, पहले आप बनाते हो ऑडिट प्लान, उसके बाद में बनाते हो ऑडिट प्रोग्राम। मैंने आपको, आपने अगर मेरे ऑडिट के लेक्चर सुने हैं तो मैंने वहां पर इस बात के ऊपर काफी जोर दिया है, इस क्वेश्चन के ऊपर। पहले आप बनाते हो ऑडिट प्रोग्राम, फिर बनाते हो ऑडिट प्लान, फिर बनाते हो ऑडिट प्रोग्राम, फिर आप बनाते हो ऑडिट नोटबुक। हालांकि ऑडिट नोटबुक के पहले भी काफी सारी चीजें आती है, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, लास्ट के अंदर आता है आपके लिए ऑडिट रिपोर्ट। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DCAB। नेक्स्ट देखिएगा, चालू फाइल और स्थायी फाइल को मिलाकर, करंट फाइल और जो परमानेंट फाइल होता है उन दोनों को जब आप मिला देते हो तो क्या बनते हैं? ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर्स या ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इन दोनों को जब आप मिला देते हो तो आपके लिए बनते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर से रिलेटेड दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला तो आता है ऑडिट वर्किंग पेपर को कौन संभाल कर रखता है, ऑडिट वर्किंग पेपर को संभाल कर रखने की जो जिम्मेदारी होती है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स के ऊपर स्वामित्व किसका होता है, ओनरशिप किसका होता है। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स के ऊपर जो ओनरशिप होती है वो कंपनी के ऑडिटर की होती है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ऑडिट जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उससे रिलेटेड ऐसे कौन सा होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ऐसे होता है SA-230। नेक्स्ट आता है कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स को कितने सालों तक संभाल कर रखना जरूरी है, SQC-1 के अकॉर्डिंग ऑडिट वर्किंग पेपर्स को 7 सालों तक संभाल कर रखना जरूरी है। काफी सारी जगह पर, काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया भी था कि जो SA-230 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है कि 10 सालों के लिए, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ रखा है कि SQC-1 के अकॉर्डिंग इसको 7 सालों तक संभाल कर रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, वह जोखिम जिसमें हालांकि सैंपल रिजल्ट ऑडिटर के जोखिम नियंत्रण के मूल्यांकन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वास्तविक अनुपालन दर
ऐसे मूल्यांकन को सपोर्ट करेगी कहलाती है। मतलब कि वो रिस्क जिसमें हालांकि जो सैंपल जो रिजल्ट है ऑडिटर के जोखिम नियंत्रण की मूल्यांकन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वास्तविक अनुपालन दर ऐसे मूल्यांकन को सपोर्ट करेगी, ये क्या कहलाती है? आंसर दीजिएगा, अधिक विश्वसनीयता की जोखिम, कम विश्वसनीयता की जोखिम, गलत रद्दीकरण का जोखिम और गलत स्वीकृति की जोखिम। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है कम विश्वसनीयता की जोखिम। नेक्स्ट देखिएगा, वाउचिंग के दौरान कर्मांक चेक से ऑडिटर को ऐसा सबूत पाने में मिलती है, जो वाउचिंग के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं ना, उनको अगर ऑडिटर चेक करता है तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर मिलती है कि कोई ट्रांजेक्शन छूट तो नहीं गया है रिकॉर्ड करने से। ये हम पहले क्वेश्चंस पहले भी अपनी ऑडिट की क्लासेज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, यदि कोई बिना रिकॉर्ड किए हुए कोई ट्रांजेक्शन छूट तो नहीं गया है ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑडिटर उस इमारत के मूल्यांकन का सत्यापन कर रहा है जिसे ग्राहक ने खुद बनाया है। सत्यापन के प्रयोजन से निम्न में से कौन सा दस्तावेज सबसे कम प्रासंगिक है, मतलब कि जो सबसे कम यूजफुल है, सबसे कम रिलीवेंट है, वो आपको बताना है। ए, ठेकेदार के बिल, इम्पोर्टेंट है सर। निदेशक मंडल की बैठक, सर देखो निदेशक मंडल की जो बैठक होगी ना उसके मिनट्स, वो यहाँ पर किस बात के काम के, तो ये नहीं होगा। इंजीनियर व आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्र, ये भी बिल्डिंग से रिलेटेड होते हैं। ऋण करार, मतलब यहाँ पर ऋण करार कौन सा जो हमने उस बिल्डिंग के लिए ले रखा है, तो जो सेकंड होगा वो सबसे कम रिलीवेंट आपके लिए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ऑडिटर के त्याग पत्र से उसके कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऑडिटर ने जो अपना रेजिग्नेशन दिया है, अभी अमेंडमेंट आया है, आपको वो सबको अमेंडमेंट पता होना चाहिए कि ऑडिटर अगर अपना रेजिग्नेशन देता है, ऑडिटर अपना अगर रेजिग्नेशन देता है तो उसको उसको एडीटी फाइल करना पड़ता है आरओसी को, कंपनी को, और अगर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ये आपके सीएच को भी करना होता है। अगर वो उसको नहीं कर पाता है फाइल निर्धारित समय के अंदर, तो उसके ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पर जो मेन बात है उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर पेनल्टी लगती थी पहले 50,000 और 5,00,000 तक वो बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन अब उस पेनल्टी के अंदर चेंज आया है, अभी जो अमेंडमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट 2017, तो वहां पर वो है 50,000 रुपये और ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, और ऑडिटर का रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है एक ऑडिटर के ऊपर अपना त्याग पत्र के दौरान जो एडीटी फाइल नहीं करने पर, वो लग सकती है 50,000 रुपये। आई बात समझ में? ये अमेंडमेंट है, ध्यान से इस अमेंडमेंट को आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर कहता है कि कहाँ पर इसकी नियुक्ति की जाएगी, इसकी नियुक्ति अगर रेजिग्नेशन के द्वारा हुई है तो इसकी नियुक्ति कहाँ पर की जाएगी? ए, बोर्ड बैठक में, असाधारण आम सभा में, वार्षिक आम सभा में और आम सभा में। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है, अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर असाधारण आम सभा में, तो इसका मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल उसके जस्ट बाद में वार्षिक आम सभा हुई तो क्या उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती? क्या हो सकती है ना, जो आपके देखो ये होता है ईजीएम, देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, और ये होता है एजीएम और ये होता है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर दोनों ही ईजीएम भी शामिल है और एजीएम भी शामिल है, ध्यान रखना। तो अब कोई कहता है सर ईजीएम में होगा, तो मैं कहता हूँ मेरा क्वेश्चन वहां पर है कि अगली जस्ट त्याग पत्र के अगले दिन हम एजीएम करने वाले हैं, तो क्या हम कहते हैं भाई एजीएम में तो नियुक्ति नहीं करेंगे, भाई साहब त्याग पत्र देकर गया है, हम कल परसों एजीएम बुलाएंगे तब करेंगे। सर ईजीएम में हो सकते, मैं कहूँ अगले दिन एजीएम में तो नहीं हो सकती क्या? तो मतलब कि यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जनरल मीटिंग, चाहे ईजीएम हो चाहे एजीएम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएम होनी चाहिए बस, वो आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक कंपनी प्रत्येक आम सभा में ऑडिटर की नियुक्ति करेगी, प्रत्येक कंपनी प्रत्येक आम सभा में ऑडिटर की नियुक्ति करेगी, जो कब तक अपना ऑफिस निर्धारण करेगा। आम सभा के अंदर जो ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है वो 5 सालों तक, अब क्योंकि यहाँ पर चेंज आ चुका है, बैठक के समाप्त होने वाली अगली वार्षिक आम सभा के आरंभ होने तक, बैठक के समाप्त होने से अगले लेखा अगली वार्षिक आम सभा के समाप्त होने तक, यहाँ पर हम अगली वार्षिक नहीं अगली नेक्स्ट सिक्स्थ एजीएम कर लीजिएगा आप,
क्योंकि अब जो ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है आपके लिए 5 ईयर्स का। नेक्स्ट देखिएगा, कंपनी अधिनियम की धारा 128 के अनुसार कंपनी की बहियों में एकदम पूर्ववर्ती वर्ष से न्यूनतम कितने वर्षों तक संभाल कर रखना होता है, मतलब कि कंपनियों को यहाँ पर देखो, ऑडिटर को अपने अकाउंट्स को, ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर्स को संभालने की बात नहीं कही गई है। काफी सारे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऑडिट वर्किंग पेपर्स को यहाँ से कंफ्यूज कर लेते हैं। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, एक आता है कंपनी को और एक आता है ऑडिटर को। ऑडिटर को अपने ऑडिट वर्किंग पेपर 7 सालों तक संभालने रखने पड़ते हैं SQC 1 के अकॉर्डिंग, और जो कंपनी होते हैं उसको अपने अकाउंट्स को 8 सालों तक संभाल कर रखने पड़ते हैं एज पर सेक्शन 128। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए 8 साल। आई बात समझ में? कंपनी अधिनियम की धारा बोर्ड रिपोर्ट की विषय वस्तु से निम्न से किसे बाहर रखा जाएगा? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इनमें से किस चीज को शामिल नहीं किया जाता है, आपको ये बताना है। कंपनी के कार्य, आपको तो डायरेक्ट ये बताना है बोर्ड रिपोर्ट में किस चीजों को शामिल नहीं किया जाता है कंपनी के, क्योंकि धाराएं तो चेंज हो चुकी है। कंपनी के कार्यों की स्थिति, रिजर्व के अंतर्गत कितना लाभ जाएगा, बिजली का संरक्षण, प्रौद्योगिकी एब्जॉर्प्शन, विदेश मुद्रा कमाई, विदेशी मुद्रा की हिंदी कमाई, कितने खर्चे हुए हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचन बताए जो तुलन पत्र की अवधि के लिए वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करती है। तो जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो यहाँ पर फोर्थ माना है। निदेशक मंडल कंपनी के पहले ऑडिटर की नियुक्ति कब तक कर देता है? निदेशक मंडल कंपनी के पहले ऑडिटर की जो नियुक्ति होता है वो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है उसके 30 दिनों के भीतर करता है। तो शेयर निर्गमन नहीं, रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं, कारोबार की शुरुआत नहीं, कंपनी के निगमन, बोलो तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के भीतर वो उसकी नियुक्ति कर देता है। नेक्स्ट देखिएगा धारा, अब तो यहाँ पर जो धारा हो चुकी है, धारा के अनुसार धारण करने वाला सावधिक ऑडिटर के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है। क्या धारा, अब देखो पहले क्या था, कंपनी के पहले थे कंपनी के इक्विटी शेयर थे, है ना। लेकिन अब तो क्या होगा कि कंपनी की, देखो इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं तो धारा 139 के तहत अगर ऑडिटर कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करता है 1 रुपए की भी अमाउंट की, तो वो कंपनी का ऑडिटर होने के लिए नियुक्त नहीं है। तो पहले तो यहाँ पर जो कंपनी आंसर था वो था कंपनी की वोटिंग अधिकार वाली प्रतिभूतियां, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाहे वो कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी, डिबेंचर हो, अधिमान अंश हो, इक्विटी शेयर हो, किसी भी तरह की प्रतिभूति अगर वो धारण करता है, सिक्योरिटी धारण करता है, तो वो ऑडिटर के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ड जो यूज किया गया है वो सिक्योरिटी वर्ड यूज किया गया है ना। और 1 रुपए की भी अमाउंट की अगर वो धारण करता है तो भी वो ऑडिटर के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है। यह जो अयोग्यताएं बता रखी है, यह जो यहाँ पर क्या अयोग्यताएं बता रखी है, धारा 139(3) के तहत। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 148 के तहत कोस्ट ऑडिटर, जो कोस्ट ऑडिट से रिलेटेड होता है, वो केंद्र सरकार को कितने दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है? तो कोस्ट ऑडिटर को 180 दिनों के अंदर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वित्तीय विवरण के ऑडिट का लक्ष्य ऑडिटर को निम्नानुसार अभिप्राय व्यक्त करने के लिए सक्षम बनाता है। वित्तीय विवरण के ऑडिट का लक्ष्य ऑडिटर को निम्नानुसार अभिप्राय व्यक्त करने में, उसकी जो मतलब है, उसका मीनिंग है, वो उसका एक्सप्लेन करने में उसको सक्षम बनाता है। हालांकि देखिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट इन हिंदी, है ना। तो कहीं कहीं जो वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है सर, क्योंकि हिंदी के अंदर भी रीड आउट नहीं करते हैं ना, तो लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। तो कहीं पर अगर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं होता है तो आप उस बात को समझिएगा। दोहरी लेखा पद्धति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए या नहीं है? वित्तीय विवरण के ऑडिट का लक्ष्य, प्रबंधक द्वारा तैयार की गई लेखांकन नीतियों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए नहीं गए? सामाजिक और अनुमोदित वित्तीय विवरण, देखो यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड है, देखो जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो ये चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए गए या नहीं, तो यहाँ पर ये देखा जाता है, यहाँ पर ये देखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा,
बर्दाश्त योग्य त्रुटि, मतलब जिसको आप मैक्सिमम टॉलरेंस जो त्रुटि होती है वो अधिकतम त्रुटि होती है सर, जो जिसे स्वीकार करने के लिए ऑडिटर तैयार होता है कि यार इतनी तो गलतियां मैं मान सकता हूँ कि यार रहेगी रहेगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। टेस्ट चेकिंग में नमूने का चयन ऑडिटर के, बिल्कुल टेस्ट चेकिंग में नमूना क्या होगा, सैंपलिंग क्या होगी, किस चीज को वो चुनेगा, ये पूरा का पूरा डिसीजन है वो ऑडिटर के निजी निर्णय पर निर्भर होता है। टेस्ट चेकिंग चेकिंग की गुणवत्ता के बजाय मात्रा पर जोर देता है। सिंपल टेस्ट चेकिंग में देखते जाते हैं कितने हम उठाएंगे, है ना, ये नहीं देखा जाता क्या क्या उठाएंगे, है ना। टेस्ट चेकिंग में ऑडिटर की जिम्मेदारी कम नहीं होती है, बिल्कुल ये आप लाइन को गांठ बांध लीजिएगा, ये लाइन बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है कि जो टेस्ट चेकिंग होती है, टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है कि मैं 100 ट्रांजेक्शन है तो 100 ट्रांजेक्शन में से मैं 10 ट्रांजेक्शन का सिलेक्शन करूंगा और 10 ट्रांजेक्शन को चेक करने के बिहाफ पर मैं देखूंगा कि इन 100 ट्रांजेक्शन के अंदर फ्रॉड है या नहीं है। अगर 10 ट्रांजेक्शन सही पाए जाते हैं तो मैं मानूंगा कि सभी ट्रांजेक्शन आपके लिए सही है। तो यह ऑडिटर के कार्य को तो कम कर देता है लेकिन ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम नहीं करती है टेस्ट चेकिंग। ऑडिटर जितना अधिक जोखिम उठाने को तैयार है, मैं जितनी ज्यादा रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ उतना ही मेरा ऑडिट सैंपल साइज होता है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सैंपल साइज अगर ज्यादा है तो मतलब मैं डरपोक हूँ, मेरे को 100 के 100 को चुन लिया फिर मैं चेक करके बैठने बैठता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे को विश्वास नहीं है कि मैं जो चुनूंगा वो सही है। मैं कहता हूँ मैं 5 चुनकर ही क्या कर दूंगा, सबके सब चीजों को सही कर लूंगा, है ना। तो अगर ऑडिटर जितनी ज्यादा जोखिम उठाना चाहता है सैंपल साइज उतना ही कम होना चाहिए। तो जो राइट आंसर है वो आपके लिए है 4। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमर्स मेरी जान को। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा इस चैनल को। आई एम CS अभिषेक ओझा, सेलेक्टेड एज जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर इन BSNL और इसी एग्जाम के अंदर मैंने अपनी सेकंड रैंक भी पाई थी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपका आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो आप अपना स्कोर भी नीचे बताइएगा कितना स्कोर आपका हुआ है। और अगेन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है वो एक बुक का PDF है, तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो इंग्लिश वाले भाइयों से क्षमा और हिंदी वाले भाई इंजॉय कीजिए।